अकेले रहना भी एक नशा है, सबके बस की ये बात नहीं। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। इम्पोर्टेंट MCQs, हिंदी साहित्य इतिहास, व्याख्यात्मक रूप से हम ये चीज़ें देख रहे हैं। पहला सवाल आज की कक्षा के अंदर की परीक्षा में आपसे ये सवाल आ जाए कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, यानी कि एक विकल्प के अंदर रचना और रचनाकार का सही है विकल्प है, बाकी गलत है। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, या रसलीन शिवा बावने, कौन सा जोड़ा सही है इनमें से? तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, चिंतामणि काव्य प्रकाश, ये यहाँ पर सही है। बाकी सारे के सारे क्या है? गलत है। तो फिर गलत का सही क्या होगा? सही इस प्रकार से होगा, व्याख्या में हम देखते हैं। देखिए, चिंतामणि काव्य प्रकाश, ये तो सही विकल्प था ही ए के अंदर, ठीक है। मतिराम का क्या होगा? रचना है रसराज, ठीक है, मतिराम वाली। विकल्प में क्या रस रहस्य दे रखी है? भूषण की शिवा बावनी, रसलीन की रस प्रबोध। रस प्रबोध के रचनाकार रसलीन, शिवा बावनी के भूषण, रसराज के मतिराम, और काव्य प्रकाश के चिंतामणि, इस प्रकार से हैं तो सही होगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा केंद्र क्या कि रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल के अंदर जो किस काल में किस रस की प्रधानता रही है, ये प्रश्न है जो आजकल आता है। बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया ये एक तरीके से। तो रीतिकाल में किस रस की प्रधानता है जो काव्य के अंदर रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांति, या रुद्र, बताइए। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? उत्तर हो जाएगा ए, प्रमुखतया श्रृंगार रस ये है जो काव्य के अंदर उपयोग है, जो प्रयोग में लिया गया है रीतिकाल में, ठीक है। देखिए व्याख्या में हम बात करें तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है, ठीक बात है, एक बात ध्यान पड़ गई। दूसरी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए कहा कि जो इस काल का नाम है वो हम क्या देते हैं? श्रृंगार काल। कि मेरे हिसाब से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि भाई साहब, मुझे तो ये लगता है इस काल का नाम ही हमको क्या कर देना चाहिए? श्रृंगार काल कर देना है। क्यों कर देना चाहिए? इसी एक विशेषता के कारण, इसी एक प्रधानता के कारण कि इसमें ज़्यादातर जो काव्य रचा गया वो श्रृंगार रस में रचा गया, और इसी श्रृंगार रस को देखते हैं भाई साहब, मेरे हिसाब से तो रीतिकाल का नाम क्या होना चाहिए? श्रृंगार काल है जो होना चाहिए। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता रहा है, और इसी काल के अंदर लक्षण ग्रंथों की रचना भी है जो होती रही है, इसी में किसमें? रीति काल में, ठीक है। चलिए भैया, अगला सवाल देखिए, परीक्षा में आ सकता है कि इनमें से रीति काल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? कौन सा कवि है रीति काल का, कवि है रीति काल का, और जिसने क्या किया है ज़्यादा अपने काव्य रचना प्रकृति चित्रण किया, प्रकृति का चित्रण है जो किया, कौन विख्यात हो इसके लिए? घनानंद, मतिराम, सेनापति, या फिर ग्वाल कवि, क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा बंधुओं सी, सेनापति महोदय ने भैया क्या प्रकृति चित्रण है जो खूब किया, और प्रकृति चित्रण के लिए सेनापति क्या रहे भैया? प्रसिद्ध रहे, विख्यात रहे, किसमें? रीतिकाल के अंदर, ठीक है। व्याख्या देखिए, रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि सेनापति अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात रहे। आचार्य शुक्ल के शब्दों में हम बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ये भी परीक्षा के अंदर कई बार आया है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये पंक्ति देकर, ये कोटेशन देकर पूछा जाता है किसके विषय में और किसने कहा है। तो ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। पूछे किसकी पंक्तियां हैं तो रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन है, किसके बारे में है तो सेनापति के बारे में है, ठीक है, सेनापति के बारे में है। और सेनापति किस काल के हैं भैया? रीति काल के हैं। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, ये भी परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम दोनों प्रसिद्ध हैं और परीक्षा में कई बार पूछे गए, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनके दो प्रमुख काव्य ग्रंथ है भैया। चलिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है,
इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है, यानी कि तीन तो इनकी देखने को मिलेगी आपको, एक नहीं है वो बतानी है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी या विज्ञान गीता, कौन सी केशव दास की नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, अनेकार्थ मंजरी जो है वो केशव दास की नहीं है। तो अनेकार्थ मंजरी केशव दास की नहीं है, तो किसकी? अनेकार्थ मंजरी है नंददास की, ये ध्यान में रखना आप। बाकी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशव दास की, और जो अनेकार्थ मंजरी है वो किसकी है? नंददास की। अनेकार्थ मंजरी किसकी है? नंददास की। व्याख्या में देखिए आप, अनेकार्थ मंजरी केशव दास की रचना नहीं है बल्कि ये नंददास की रचना है, ठीक बात है। आगे देखें, नंददास की और रचनाएं देखें हम तो, रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई ध्यान में रखना, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मिणी मंगल ध्यान रखना, रास पंचाध्यायी ध्यान में रखना, भंवर गीत ध्यान में रखना, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये सारी की सारी नंददास की रचनाएं हैं, ठीक है। ये सारी की सारी नंददास की रचनाएं, माफ करें, केशवदास की रचनाओं में, केशवदास की कृतियों में मैं बात करूं तो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया ध्यान में रखना, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका ध्यान में रखना, नक्षिक और छंदमर, ये तमाम कृतियाँ जो है वो केशवदास की है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप जो ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं क्या? कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, मतिराम या फिर बोधा। कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेनापति। बी विकल्प अपना ठीक हो जाएगा, कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन? सेनापति। आगे देखिए, व्याख्या में हम बात करें तो देखिए आप कि कवित्त रत्नाकर रीतिकाल के जो कवि हैं, रीतिकालीन कवि सेनापति, उनकी रचना है, ठीक है। सेनापति विशेष तौर से प्रकृति वर्णन के लिए है जो जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। काव्य कल्पद्रुम इनकी अन्य रचना है, ऊपर वाले प्रश्न में हमने अभी बात की थी। कवित्त रत्नाकर जो इनकी कृति है वो पांच तरंग यानी पांच अध्याय में पांच तरंग और 394 छंद में रामकथा का वर्णन है। तो कवित्त रत्नाकर का वर्ण्य विषय अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना रामकथा का वर्णन है इसके अंदर। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं, ध्यान में रखना। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार अगर पूछ लिया जाए तो श्लेष है, ब्रजभाषा के कवि हैं, सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। बोधा की प्रमुख रचनाओं की मैं बात करूं तो विरह वारिश और इश्कनामा। आगे जो बोधा विकल्प में आया, अपने बोधा की रचनाओं की बात करें तो विरह वारिश और इश्क नामा है जो बोधा की है। मतिराम की रचनाओं की बात करें तो फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, मतिराम की रचनाओं की बात करें तो फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका, ये मतिराम की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की मैं बात करूं तो आधुनिक युग के ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रमुख रचनाओं में बात करें तो हरिश्चंद्र गंगावतरण, हरिश्चंद्र गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, एक श्रृंगार निर्णय भी है वो किसके, कमेंट करके बताना। इनकी है श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी और विष्णु लहरी, ठीक है। एक रत्नाष्टक भी है इनकी। आगे देखिए, प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवियों में, रीतिमुक्त कवि में, रीति सिद्ध कवि में, या स्वच्छंदतावादी कवि वर्ग के अंदर रखना समीचीन है, बताइए किस वर्ग में? तो यहाँ पर अपना उत्तर सही क्या हो जाएगा? ए, रीतिबद्ध कवि वर्ग में रखना है जो समीचीन बताया गया है। व्याख्या में मैं बात करूँ आपसे तो ये हो गया रीतिबद्ध कवि में वर्ग में रखना समीचीन है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व को समृद्धि की दृष्टि से, रचनाकार और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। नगेंद्र ने कहा कि जो एक तो रचनाकार के तौर पर और व्यक्तित्व की समृद्धि के तौर पर मैं देखूं तो केशव दास जो है मेरे हिसाब से रीतिकाल के प्रवर्तक है जो माने जाते हैं। वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
हिंदी साहित्य का अतीत इस कृति में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया और केशव दास का जो रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में है जो टॉप पर है जो रखा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की हम बात करें। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है शिवा बावनी के रचयिता कौन है? आसान है, जसवंत सिंह, केशव भूषण या पद्माकर। शिवा बावनी के रचयिता कौन, क्या उत्तर हो जाएगा? भूषण। शिवा बावनी के रचयिता कौन? भूषण। सी विकल्प अपना यहाँ पर ठीक हो जाएगा। व्याख्या में अगर बात करें तो देखिए शिवा बावनी के जो रचयिता हैं अपने भूषण, ये रीतिकाल में वीररस की कविता रचने वाले एकमात्र कवि हैं। रीतिकाल के अंदर में बात करूँ, क्योंकि रीतिकाल में जहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता थी वहीं उस दौर के अंदर भूषण जो है भैया वीर रस की कविताएं हैं जो रच रहे थे रीतिकाल में। और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण के जो उपाधि दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में कहा कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये पंक्ति आ जाए किसकी है भैया? रामचंद्र शुक्ल की है। किसके विषय में है भैया? भूषण के विषय में है। और यूं भी प्रश्न आ सकता है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, यहाँ पर वे किसके लिए आया है? तो भूषण के लिए। बात करें प्रमुख रचनाओं की, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है, चलिए आगे बात करें। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है जो बताना है। परीक्षा में देखो कई बार आरोही क्रम पूछा जाता है और कई बार क्या पूछा जाता है? अवरोही क्रम पूछा जाता है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आरोही क्रम माने होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अवरोही यानी घटते हुए, बढ़ते हुए यानी 1950, 1966, 1977, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में आपको बताना है भूषण मतिराम बिहारी देव, मतिराम भूषण बिहारी देव, बिहारी मतिराम भूषण देव या बिहारी भूषण मतिराम देव, कौन सा विकल्प होगा? तो सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी होगा यहाँ पर। जैसे कि बिहारी, बिहारी के जन्म की बात करें हम, बिहारी के समय की बात करें तो 1595 मिलता है। भूषण के समय की बात करें तो 1613 मिलता है। मतिराम की बात करें तो 1617 मिलता है। और देव की बात करें तो 1673 मिलता है। तो हो गया ना बढ़ते क्रम, 1595 के बाद में हमने बात की 1613 ईस्वी की, फिर 1617 की और फिर 1673 की। तो ये बढ़ते हुए, और अवरोही होता है तो फिर क्या होता? 73, 17, 13, 95। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ पर देख ही लिया कि बिहारी 95, भूषण 13, मतिराम 17 और देव 73। अगला सवाल है परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? किसके? ललित ललाम के। केशव, भिखारीदास, मतिराम या कृपाराम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ललित ललाम के रचयिता कौन हो जाएगा भैया? मतिराम हो जाएंगे। मतिराम के अन्य ग्रंथों की मैं बात करूँ तो व्याख्या में आप देख लीजिए, मतिराम के अन्य ग्रंथों में फूलमंजरी, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार। केशवदास के ग्रंथों में रसिक प्रिया, रामचंद्र का कवि प्रिया हमने पहले भी देखा था, लेकिन जितनी बार सुनोगे उतनी बार ही अच्छा रिपीटेशन रिवाइज होगा तो मस्तिष्क में स्थायित्व लेगी चीज़ें। रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर दस चंद्रिका, नक्शिकोर, छंदमाल। ठीक है, तो यह था अपना आज का वीडियो। आपको क्या करना है? आपको लाइक करना है, नहीं किया तो कर दें, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें। पहली बार जो भी देख रहा है सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो घंटे वाले निशान पर ताकि वीडियो की सूचना मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल नव सृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी और अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जरूर फॉलो कर लीजिए। अपनी एप्लीकेशन है नव सृजन क्लासेज, प्ले स्टोर से आप इसको भी इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर PDF वगैरह फ्री का सेक्शन में बना रहा हूँ तो इन सब की PDF वगैरह वहाँ पर आपको मिलने लग जाएगी, ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। और सेकंड ग्रेड हिंदी की वन लाइनर आदि पब्लिकेशन के अपने सेकंड ग्रेड हिंदी की वन लाइनर पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है, नज़दीकी बुक स्टोर से आप खरीद सकते हैं। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा करते हैं, फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34 पर व्हाट्सअप कीजिए। कैसे क्या मिलेगी सारी जानकारी आपको ऑनलाइन है, जो कैसे भिजवाई जाएगी वो दे दी जाएगी। जय हिंद, पर मिलता हूँ।